नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मंगलवार को मांड्या में एक रैली के दौरान लोगों पर 500 रुपए के नोट उड़ाए। श्रीरंगापटना में कांग्रेस की तरफ से आयोजित प्रजा ध्वनि यात्रा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने बेवीनहली में बस के ऊपर से कलाकारों पर पैसे बरसाए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। राज्य में अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी है। इसी के लिए वो मांड्या में रोड शो और प्रचार करने के लिए गए थे। कांग्रेस इस बार राज्य में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य को लेकर चुनावी रणनीति बना रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सिर्फ 78 सीटें ही जीती थी, जबकि जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा ने 104 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 113 के बहुमत आंकड़े से 9 सीटें कम रह गई थी। डीके शिवकुमार ने कुछ दिन पहले राज्य के डीजीपी प्रवीण सूद को नालायक कहा था। उन्होंने दावा किया था कि प्रवीण राज्य की भाजपा सरकार का बचाव कर रहे हैं और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं। शिवकुमार ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रवीण पर नंजेगोड़ा और उरीगोड़ा के नाम पर प्रवेश द्वार बनाने की अनुमति देने का आरोप लगाया था। हिंदू कार्यकर्ताओं के मुताबिक नंजे और उरी ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की हत्या की थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।